आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण पंजी के बारे में, यानी कि जन्म और मृत्यु एक ही पंजी में जो है हम लोगों को दोनों दर्शाना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जन्म मृत्यु पंजीकरण पंजी हम लोगों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है समेकित बाल विकास सेवा परियोजना, यानी कि जो आप लोगों को पंजी मिला होगा उसमें इसी प्रकार का लिखा होगा कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना। तो हम लोगों को क्या करना है, यानी कि हर साल एक साल अंतर्गत जितने भी जन्म मृत्यु हो रहे हैं हमें एक से दो पेजों में, जितने पेजों में आ जाए उतने पेजों में उसको पंजीकरण कर लेने के बाद से जब अगले साल का हमें जब खोलना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग तिथि अवश्य डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने जन्म मृत्यु पंजीकरण दिसंबर तक फाइनल कर लिया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जनवरी 2023, ठीक। इसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या में यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे पहला पहला मैच, जैसे कि हमारे यहाँ जो है कि एक बच्चा जन्म लिया है, बच्चे का नाम हो गया आयुष कुमार, तो यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले बच्चे का नाम पूरा डाल देंगे आयुष कुमार। उसकी जन्म तिथि कितने तारीख को उसका जन्म हुआ है उसे आप लोग अनिवार्य रूप से डाल लीजिएगा। जैसे कि उस बच्चे का जन्म हुआ है 23/1/2023 को। फिर यहाँ पूछ रहा है मृत्यु की तिथि, हमें मृत्यु की तिथि यहाँ पर नहीं डालना है। अगर किसी भी कारणवश भगवान न करे कि अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ मृत्यु की तिथि नहीं डालना है, यहाँ पे उसकी जन्म तिथि भी होनी चाहिए और उसके जन्म तिथि के बाद जो है कि यहाँ पे मृत्यु की तिथि डालना है। फिर आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि क्या मृत्यु की तिथि सिर्फ हमें बच्चे की ही डालनी है? जी नहीं, मृत्यु की तिथि यदि कोई बूढ़े बुजुर्ग भी यदि एक्सपायर हो रहे हैं, कोई नवयुवा भी एक्सपायर हो रहा है तो उसे की भी हमें मृत्यु की तिथि डालनी है। तो क्या यहाँ पे जन्म तिथि डालना अनिवार्य है? बिल्कुल, उसके आधार कार्ड से सबसे पहले हम लोग उसकी जन्म तिथि यहाँ डालेंगे, फिर उसकी मृत्यु की तिथि डालेंगे, उसके बाद से जो है कि उसके माता पिता का नाम डालेंगे, यदि कोई महिला एक्सपायर हो रही है तो उसके पति का नाम डालेंगे, फिर उसका जो है कि लिंग हो गया, जाति हो गया। इसमें सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि बच्चे के बारे में, जैसे कि इसी माह एक बच्चा जन्मा है आयुष कुमार, तो हम लोग बच्चे का नाम लिख देंगे, उसकी जन्म तिथि लिख देंगे, मृत्यु की तिथि हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके माता पिता का नाम, जैसे कि इसके पापा का नाम हो गया चंद्रभान कुमार। आप लोग अगर देखिए प्रयास करिए कि अगर जगह बच रहा है तो इसमें माता और पिता दोनों का डाल दीजिए, और नहीं तो आप लोग सिर्फ पिता का नाम से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए यहाँ पर डैश करके और यहाँ पर अगर नीचे में नाम समा जाए तो यहाँ लिख दीजिए, जैसे कि सीमा देवी, या इसे ही हम लोग छोटा छोटा करके लिख देंगे। अब इस लिंग में पूछ रहा है तो किसका लिंग डालना है, आप लोग ध्यान दीजिए इस बात को, लिंग में आयुष कुमार जो पूछ रहा है इसका लिंग डालना है या माता पिता का लिंग डालना है, तो हमें बच्चा का डालना है, ठीक है। इसके लिंग में ये क्या है, बच्चा आयुष कुमार पुरुष, तो हम लोग यहाँ पे पुरुष डाल देंगे। अब आयुष कुमार की जाति क्या है, जाति में हमें क्या डालना रहता है, जैसे कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित, अल्पसंख्यक, तो जिस कैटेगरी में यह बच्चा आता है हमें वही डालना है। तो ये जो आयुष कुमार है ये हमारे यहाँ कुशवाहा का है, तो कुशवाहा यानी कि पिछड़ा वर्ग हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, हमने लिख दिया पिछड़ा वर्ग। अब इसकी उम्र, यानी कि इस बच्चे की जो उम्र आज के दिन क्या पूछ रहा है, तो जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उस समय इसकी उम्र यहाँ पे पूछ रहा है, तो हमें उम्र नहीं डालना है, हम यहाँ पे बच्चे की उम्र नहीं डालेंगे, हम बच्चे की उम्र छोड़ देंगे। यदि आपको बच्चे की उम्र डालनी है तो आप पेंसिल से डाल लीजिए और इसे प्रत्येक महीना अपडेट करिए। और उम्र में हमें किनका डालना है, जिनकी मृत्यु हो जा रही है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसकी जन्म तिथि भी लिखेंगे, मृत्यु की भी तिथि, कितने उम्र की आयु में वह एक्सपायर हो गया उसका उम्र हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उम्र हम लोग किसका डालेंगे, उसका डालेंगे, जैसे कि यदि कोई कोई बच्चा है 6 माह के बाद एक्सपायर हो गया, 2 माह के बाद एक्सपायर हो गया, या कोई बुजुर्ग है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कितने वर्ष की आयु के बाद एक्सपायर किए हैं उनका उम्र हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद मृत्यु का कारण लिखेंगे, जैसे कि यदि कोई बच्चा मर रहा है किसी बीमारी से मर रहा है तो हम लोग वो डाल देंगे, यदि कोई वयस्क व्यक्ति एक्सपायर कर रहे हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग एक्सपायर कर रहे हैं तो किस कारण से मृत्यु हुई, अकस्मात मृत्यु हुई कि उसके बाद से एक्सीडेंटल मृत्यु थी, जिस प्रकार की मृत्यु थी हमें मृत्यु का कारण यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद से जो है कि यहाँ पे हस्ताक्षर और अभियुक्ति पूछ रहे हैं, हस्ताक्षर में किसका हस्ताक्षर करना है, अब आप लोग सोचिए इस बात को, हस्ताक्षर किसका लेना है, तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका अपना हस्ताक्षर करेगी। और अभियुक्ति,
यह जो है कि एक अभियुक्ति का भी कॉलम दिया रहता है। इसमें अभियुक्ति में जो है कि आप लोगों को क्या भरना रहता है, कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है या पता किया है? यदि नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊं। अभियुक्ति में जो है कि कुछ हम लोग कारण डाल सकते हैं, जैसे कि कारण में ये हो गया, जैसे कि आयुष कुमार है, इसका उम्र जो है कि 6 माह या 3 माह या 2 माह, ऐसे करके जो भी इसका उम्र है, ये इस उम्र में जो है कि यह बच्चा किस प्रकार की स्थिति में है, इसका हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि कुपोषित श्रेणी में है, अति कुपोषित श्रेणी में है, सामान्य में है, यह जो है कि अभियुक्ति में हम कुछ दर्शा सकते हैं, या हमें जो है कि इसमें कुछ सुधार करना है, इस पंजी के बारे में कुछ हमें नॉलेज चाहिए, तो जो है कि वो भी हम इस अभियुक्ति के श्रेणी में दर्शा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं इसी प्रकार से आंगनबाड़ी से जुड़ी और अच्छी अच्छी जानकारियां लेते आती रहूंगी। तब तक के लिए राम राम।